फ्रेंड्स एंड माई फैमिली इन अर्ली डेज सेप्टिक टैंक जरूरी नहीं पड़ा, बट जैसे पॉपुलेशन एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन होते गए सेप्टिक टैंक का खर्चा है एंड नाउ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पेरेटिव एंड इंडिस्पेंसेबल पार्ट इन द हाउस डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। बहुत लोग को सेप्टिक टैंक का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल मालूम नहीं या कोई कन्फ्यूज है। कोई सेप्टिक टैंक का सीवेज पाइप को ओपन रिवर में कनेक्ट करके रखता है, कोई बहुत बड़ा बनाता है, कोई छोटा बनाता है, कोई मिस्त्री जैसे सजेस्ट करेगा उस हिसाब से बनाता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेप्टिक टैंक कैसे काम करता है, बेकार का मनी वेस्टेज से कैसे बचे, ब्लॉकेज क्यों और कैसे होता है, कितना डायमेंशन होना चाहिए, कैसे बनाए, सीवेज को कैसे डिस्पोज करें, आपका वेल और सेप्टिक टैंक में कितना दूरियाँ होना चाहिए, नदी या नाला में सीवेज पाइप को कैसे डिस्पोज करना है। सो आई विश एंड आई होप एक वीडियो आपका कहीं काम में जरूर आए। लेट्स स्टार्ट। बेसमेंट के ऊपर में फ्लोर जो है आरसीसी का होना है एंड स्लेब आरसीसी का होना है। वॉल कैन बी ब्रिक वॉल बट आई वुड रिकमेंड आरसीसी वॉल एंड मैं टू चैम्बर वाला दिखाता हूँ। ये इसका ऊपर में मेन होल 2 फीट बाई 2 फीट मिनिमम रखना है एंड हम जितना जरूरी है उतना बनाना है, इतना बड़ा भी नहीं इतना छोटा भी नहीं। जैसे एक बेसिक प्रिंसिपल होता है इसका साइज का, जैसे कि एक फैमिली में 3 फीट बाई 5 इंच इंटू 4 फीट बाई 11 इंच इंटू 2 फीट बाई 6 इंच ये एक फैमिली के लिए सफिशेंट है। और दो फैमिली का अगर हम डिजाइन करेगा तो इसमें 4 फीट बाई 7 इंच इंटू 6 फीट बाई 7 इंच इंटू 3 फीट ये दो फैमिली के लिए सफिशेंट है। एनुअल क्लीनिंग जो है 1 to 3 इयर्स का होता है। 3 फैमिली है तो 6 फीट बाई 7 इंच इंटू 6 फीट बाई 7 इंच इंटू 3 फीट। और अगर हमारा 4 फैमिली का है तो 5 फीट बाई 11 इंच इंटू 7 फीट बाई 6 इंच इंटू 3 फीट बाई 7 इंच दिस इज सफिशियंट फॉर 4 फैमिली। इससे भी बड़ा हम डिजाइन कर सकते हैं और वो डिजाइन हम कभी दूसरा वीडियो में बताएगा कि कैसे डिजाइन करना है। इसका प्रॉपर डिजाइन करना बहुत जरूरी है। और नीचे में जैसे ये वीडियो में दिखाया कि वो कंस्ट्रक्ट करते समय में वाटरप्रूफिंग कंपाउंड यूज जैसे भी और सेप्टिक टैंक से सॉक पिट में जैसे भी कनेक्ट करना है, जैसे भी सॉक पिट बनाना है, ये वीडियो में देखिए स्टैंडर्ड साइज दिखाया है। हाइट मिनिमम 3 फीट बाई 4 इंच रखने से ठीक है। नाउ द लेंथ ऑफ ए सेप्टिक टैंक इज 2 इंटू ब्रेथ एंड दिस इज द करेक्ट वे हाउ द सेप्टिक टैंक एंड सॉक पिट शुड कनेक्ट टुगेदर। अभी जैसे कि सॉकपिट आप देखिए सॉकपिट कैसे हम लोग बनाते हैं, और कोई अवॉइड ही करते सॉकपिट बनाता नहीं है, लेकिन जैसे भी बनना चाहिए। इस सॉकपिट में जो फिलअप करते हैं ब्रिक बेथ या ब्रोकन ब्रिक्स जो डालते हैं या ब्रोकन स्टोन डालते हैं, जितना पानी सॉक पिट एब्जॉर्ब कर पाएगा उतना कैपेसिटी बढ़ते जाएगा सेप्टिक टैंक का। ये है प्रिंसिपल। और ये इसमें देखिए, ये हम अभी 2 चैम्बर का दिखाए, अभी 3 चैम्बर का भी सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। ये 3 चैम्बर का है, ये लेआउट एंड क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया। इसमें इनलेट से आएगा, उसमें सेडिमेंट होके नेक्स्ट में जाएगा। एक वेपर वॉल क्रॉस करके दो दूसरे वेपर वॉल से तीसरा आउटलेट में चला जाएगा, यहाँ सेडिमेंट होके बहता है। तो इस सेडिमेंटेशन पीरियड में कैसे माइक्रोब्स काम करेंगे वो मैं थोड़ा बाद में दिखाता हूँ। ये सेप्टिक टैंक का बेसिक प्रिंसिपल देखिए, वीडियो इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जैसे ये आया फर्स्ट चैम्बर में गया, फर्स्ट चैम्बर में देखिए इसमें माइक्रोब्स है यानी कि बैक्टीरिया है। तो जैसे सॉलिड वेस्ट आता है वहाँ, तो विद इन 24 आवर्स ये बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करता है। ह्यूमन फिशिस में 75%
पानी होता है, और एक्सेस वाटर जो है दूसरा चैम्बर में जाएगा, दूसरा चैम्बर से फिर सॉकेट तरफ जाएगा। और हाँ, इसमें कैसे ब्लॉक होता है, हेवी यूजेस ऑफ वाटर, जरूरत से ज्यादा पानी नहीं डालना है, ऐसा जैसे ब्लॉकेज होने का चांसेस है। और दूसरा, ये जो हम पैनल या कुछ क्लीनिंग के लिए जो डालते हैं वो अंदर जाके हमारा जो बैक्टीरिया है उसको अगर मार देता है तो सॉलिड वेस्ट को ब्रेक डाउन करने वाला नहीं, मतलब उसका वजह से भी आपका ओवर फ्लो हो सकता है या बैक फ्लो हो सकता है, ब्लॉकेज होगा। और प्रेफरेबली सेप्टिक टैंक को स्वैम्पी एरिया या दलदल जहाँ है उसमें नहीं बनाना है। और हाँ, एक बात याद कीजिए, हम लोग सेप्टिक टैंक से ओपन रिवर में कभी सीवेज को डिस्पोज नहीं करना है, डिस्चार्ज नहीं करना है। दिस इज ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर रिलेवेंट सेक्शन एज फॉर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एंड आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यू मस्ट नो इज कि आपका वेल एंड सेप्टिक टैंक विद सॉकेट कितना दूरिया में हम बना सकते हैं। तो ये वीडियो देखिए, द बेस ऑफ द सॉकेट एंड द वाटर टेबल लेवल दोनों का डिस्टेंस अगर 6 feet and 7 inches यानी कि 2 meters है या उससे ज़्यादा है तो हम लोग सेप्टिक टैंक विद सॉकेट एंड वेल को हम 9 feet and 11 inches में हम बना सकते हैं। अगर 6 feet and 7 inches से कम है तो सेप्टिक टैंक विद सॉकेट एंड वेल 33 feet में डिस्टेंस में हम बनाना है। सो एनीवे थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बार कुछ ऐसे कहीं रिलेवेंट टॉपिक या कुछ भी एंटरटेनमेंट एंड फन कुछ भी बनाएगा, अपलोड करेगा, एंड फिर मिलते हैं आप लोग को। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।